सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत में हैं गाइस। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक ट्रेलर सीरीज। ये ट्रेलर सीरीज क्या है? तो गाइस, होता क्या है कि बच्चे लोग को बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल ट्रेलर सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के जो फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो मोस्टली जो चैप्टर है, वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले क्या करूंगा मालूम गाइस, ये आज से जो वीडियो मैं बनाना स्टार्ट किया, ये वीडियो में आप लोग देख लेना, मैं पहले वो जो चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब वो जो चैप्टर है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मालूम, आप लोग को वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 5 मिनट या 10 मिनट में। उसके बाद मैं वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग को एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, उसका वीडियो दिखाऊंगा, ताकि उसकी वजह से क्या आएगा मालूम गाइस, कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आप लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं श्योर हूं कि आपको ये चैप्टर में रट्टोफिकेशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर वो चैप्टर का जो आप लोग अगर ये ट्रेलर सीरीज देख लोगे, मतलब हर एक चैप्टर का, जैसे आज मैं आप लोग को फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMI, आज मैं आप लोग को उसका ट्रेलर दिखाने वाला हूं, जिसमें क्या आएगा मालूम गाइस के EMI का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फैराडे भाई साहब ने अपना क्या लॉ दिए थे, ये चैप्टर कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, पहले वो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाऊंगा, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट का मैं आप लोग को ट्रेलर, मतलब क्या आप लोग को उसका एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि आखिरकार मतलब क्या मौजूद है ये कॉन्सेप्ट के अंदर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आगे मैं इसका एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं गाइस, बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में इंशाल्लाह बिठा दूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को सारी चीज डिटेल में समझाता हूं। सो गाइस, हुआ क्या था मालूम, मैं आप लोग को एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम लोग को पता है कि अगर मैं कोई एक वायर ले लेता हूँ, ये सपोज इधर पे एक वायर है, ठीक है, ये वायर के अंदर से मैं करंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज ये एक वायर है और वायर के अंदर से क्या पास आउट हो रहा है, करंट पास आउट हो रहा है। तो हम लोग को एक बेसिक सी बात पता थी कि अगर कभी भी कोई से भी वायर के अंदर से अगर हम लोग करंट पास करते हैं, तो उसके आजू बाजू क्या मौजूद होता है, उसके आजू बाजू क्या चीज प्रोड्यूस होती, मौजूद नहीं प्रोड्यूस होती, तो आप लोग को पता है कि उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होती होगी, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती होगी। इतना तो पता है कि भाई एक वायर है, वायर के अंदर से आप लोग करंट पास करो, तो जब भी वायर के अंदर से करंट पास आउट होता है, तो उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होता है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इतना तो हम लोग पता है, मतलब मैं बोल सकता हूं इतना हम लोगों को पता है कि हम लोग करंट से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बात हम लोग को पता है। लेकिन क्या हम लोग इसका अपोजिट कर सकते हैं, क्या हम लोग इसका रिवर्स कर सकते हैं क्या, मतलब क्या, मतलब मैग्नेट की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, इसका हम लोग उल्टा कर सकते हैं क्या, ये मैग्नेट की वजह से हम लोग इधर पे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, रिवर्स प्रोसेस हो सकते हैं क्या। सो गाइस, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे, ठीक है, फैराडे भाई साहब, मैं उनको बोलता हूं यूजुअली, ठीक है। तो फैराडे भाई साहब ने इसके पीछे क्या चीज के पीछे कि भाई उनको सबको तो ये बात पता थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब भी करंट, मतलब कोई सा भी वायर है और वायर के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तो उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो पता थी। लेकिन फैराडे भाई साहब का ये मानना था, ये इसके पीछे उन्होंने रिसर्च किए थे कि क्या हम लोग वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस कर सकते क्या। सो फैराडे भाई साहब ने इसके पीछे 10 साल मेहनत किए और अपने 10 ईयर्स के एक्सपेरिमेंट में आखिरकार उन्होंने ये प्रूफ करके बताया कि भाई मैग्नेट की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, मैग्नेट की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। सो गाइस, कैसे करें, उनके एक्सपेरिमेंट में क्या आता है, ये सब मैं आप लोग को आज इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा भी, और साथ ही साथ मैं आप लोग को लाइव एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट का जो वीडियो है वो अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो कुछ बेसिक टर्म हम लोग को पहले समझने पड़ेंगे। सबसे पहला वाला टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम लोग को समझने की, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, मतलब कोई सा भी एक एरिया ले लो, सपोज एक वायर है, वायर ऐसा स्ट्रेट रहता है, इसको मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, तो ये एक एरिया बन जाएगा, ये कुछ ऐसा एरिया बन जाएगा, और हम लोग को पता है कि अगर ये मैग्नेट हो जाएगा, ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, इधर पे नॉर्थ पोल होता है, इधर पे साउथ पोल होता है, हम लोग को पता है कि नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, ठीक है, तो ये जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड्स है जो कोई वो एरिया से पास हो रही है, ये आप लोग को एरिया इधर पे नजर आ रहा होगा, ये एरिया में से इधर पे एरिया के अंदर से, हां एरिया के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, ये आप लोग को एक सर्कल या एक स्फीयर फॉर्म का आप लोग को एक एरिया नजर आ रहा होगा इधर पे, और मेरे को बताओ इधर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, तो मेरे को बताओ फील्ड लाइन इधर पे कितनी मौजूद है जो ये एक एरिया के अंदर से पास हो रही है, तो आप लोग बोलेंगे सर इधर पे 4 लाइन ऐसी है, 4 नंबर 4 फील्ड लाइन ऐसी है जो क्या हो रही है, एक एरिया के अंदर से पास हो रही, तो मैं बोलूंगा भाई इसको ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
फ्लक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब इतनी बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। कोई सा भी एक एरिया ले लो, कोई सा भी एरिया, दुनिया का कोई सा भी एरिया ले लो। एरिया मतलब क्या, इधर से एक ऐसा एरिया ले लो, जैसे अगर आप लोग देख सकते हैं इधर पे एरिया स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, इधर से कुछ लाइंस क्या हो रही होगी, पास आउट हो रही होगी। मेरे को बताओ इसके अंदर से कितनी लाइंस पास आउट हो रही है। तो आप लोग बोलेंगे सर इसके अंदर से 1 2 3 4 5 पांच फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैं बोलूंगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा गाइस 5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है फाई, ठीक है। तो फाई इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाई से उसको डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब एक एरिया है, एक एरिया के अंदर से, सपोज ये एरिया है, ये एरिया के अंदर से जितनी भी फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या हुआ था, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं जो फैराडे भाई साहब ने हम लोग को बताए थे। उन्होंने क्या बोले थे कि मैग्नेट की वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस होएगा। तो फैराडे भाई साहब ने एक अपना फर्स्ट लॉ दिए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स, समझा सबको, पक्का समझ गया। एक एरिया के अंदर से जितनी फील्ड ऑफ लाइन पास होगी, ठीक है, ये एरिया के अंदर से, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बोलो, 4 है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बोलो, 5 है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन इधर से पास करा दूं, क्या मेरे को बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 5 हो जाएगा क्या? तो तुम लोग बोलेंगे हां। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही है, देखो बाहर से जा रही है तो नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, तो मैं बोलूंगा अब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एरिया के इधर, मेरे को बताओ होएगा अभी, नहीं होएगा, लेकिन ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। तो जो एरिया के अंदर से पास हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे भाई साहब का लॉ क्या था, फैराडे भाई साहब ने बोले थे, व्हेन, फर्स्ट लॉ उन्होंने दिए थे, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। मतलब चेंज मतलब क्या समझो, एक मैग्नेटिक, मतलब कोई एक एरिया है, एरिया के अंदर से पहले 4 लाइन पास हो रही, अब 4 की जगह 6 लाइन पास होने लगी, 6 की जगह 8 लाइन पास होने लगी, 8 की जगह 10 लाइन पास होने लगी, 10 की जगह 12 लाइन पास होने लगी। तो कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूं ना, देखो ना, एक एरिया था, एक एरिया के अंदर से पहले 4 लाइन पास हो रही थी, अब 4 की जगह मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स उसका 6 हो गया, तो कितनी लाइन पास हो रही होगी, 6 लाइन पास हो रही होगी। तो सुनो 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 बेटा, जैसी अगर 6 लाइन पास हो रही होगी, तो मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, 6 हो रही थी, 6 की जगह कितनी हो गई, 8 होने लगी, तो मैं क्या बोलूंगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले 6 से कितना हो गया, 8 हो गया, 8 की जगह कितनी होने लगी, 10 होने लगी, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो फैराडे ने क्या बोले थे, फैराडे ने बोले थे कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मतलब 6 से 8 होता है, 8 से 10 होता है, कुछ भी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है मालूम, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंपल वर्ड में समझो कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। यह तरीका है मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस करने का, खाली उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो। बहुत हलवा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी है। क्या करो, एक एरिया ले लो, एरिया मतलब क्या, कॉइल ले लेंगे यूजुअली। कॉइल कैसे बनाते हैं, कॉइल हम लोगों को पता है, एक वायर है, वायर ऐसा स्ट्रेट रहता है, उसको ऐसा राउंड कर दो, तो ये एक ये कॉइल बन जाएगा, ठीक है, और कॉइल के सामने मैग्नेट रख दो। समझ में आ गई बात, कुछ ऐसा सेटअप, ठीक है, कुछ ऐसा सेटअप रख दो। तो गाइस आप लोग देख सकती है कि इधर पे ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, ये लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, और ये सामने एक कॉइल है। मैं बताया था कॉइल कैसे बनाओगे, एक वायर ले लोगे और एक वायर को क्या करोगे, ऐसा राउंड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मतलब कितना बार कॉइल घुमा हुआ है, तो एक ही बार है, बहुत बार भी हम लोग कॉइल को घुमा सकते हैं, ठीक है, अभी वीडियो में दिखाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। ये देखो, इसके इसके ऐसा ऐसा कर दूंगा, राउंड राउंड सॉलिनॉइड जैसा बनाते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल एक ही है, ठीक है। तो अभी देखो, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर से क्या निकल रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। मेरे को बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है इधर पे। तो आप लोग बोलेंगे सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, जो उसके अंदर से पास होता है, मतलब जो एक एरिया हो गया ना, एरिया के अंदर से जो पास होएगा मैग्नेटिक लाइंस, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 देखो, 1, ये देखो ये पास हो रहा है, देखो ये पास हो रहा है, 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 तो 6 पास हो रहा है, देखो 2 और ये 2 ये पास नहीं हो रहे है, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, 6 मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। समझ में आ गई बात। अब मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं मालूम, देखो फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे ने क्या बोला था, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो। अभी बताओ, अगर मैं मैग्नेट ये सामने ला के रखा हूं, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 6 है, क्योंकि 6 लाइन क्या हो रही, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन 6 है वो एरिया के अंदर से जा रही। अगर मैं ये मैग्नेट को उठाऊं और ये मैग्नेट को
उठा के इस तरफ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, कुछ लाइन ऐसे जो पहले एंटर हो रही थी, अगर मैं इसको उठा के बाहर की तरफ कर दूं तो क्या आएगा, अब वो लाइन एंटर नहीं हो पाएगी। तो अब 6 से कितना हो जाएगा, अब 6 से अगर पीछे कर दूं तो सपोज 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले ज्यादा पास हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको पीछे कर दूं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ कम पास होगी 6 से 3 समझ लो, ठीक है। तो मेरे को पता पहले 6 था, अब 6 से कितना हो गया, अब 6 से तो वो 3 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो फैराडे भाई साहब ने बोले थे कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होएगा, मतलब आप लोग समझ लो कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कब प्रोड्यूस होएगा, जब वो, अच्छा ठीक है, इसको मैंने पीछे कर दिया, अच्छा पीछे करने के बाद अगर मैं इसको आगे लेके आ जाऊं, आगे मतलब इतना आगे ना, और आगे लेके आ जाओ, तो आप लोगों को नहीं लगता ये जो दो अंदर नहीं जा रही थी, अगर मैं ये मैग्नेट को उठा के बाहर मैग्नेट को उठा के और नजदीक रख दूं, मतलब ऐसा है ये पहले ऐसे था, ठीक है, इधर पे था तो सपोज 6 पास हो रही थी, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लूं तो आप लोगों को नहीं लगता जो दो नहीं पास हो रही थी, अगर मैं इसको आगे ले लूं तो वो दो भी पास होने लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा, वो 6 से सपोज 8 हो जाएगा। तो फिर से देखो, पहले 6 था, 6 से वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, आप लोग को लग रहा नहीं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे थे जिसमें उन्होंने बताए थे कि अगर हम लोग जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं गाइस, तो उसके अंदर से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई बात, थोड़ा सा और मैं आप लोग को डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। सो गाइस, और अच्छे डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग को ये बार मैग्नेट इधर पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, और ये मैग्नेट से क्या निकल रही होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। मेरे को बताओ फ्लक्स किसको बोलते हैं, फ्लक्स उसको बोलते हैं कि जो एक एरिया के अंदर से जो लाइन पास होती है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। मेरे को बताओ इधर पे फ्लक्स कितना है, देखो ये दो पास हो रही है क्या, तो ये दो तो पास नहीं हो रही है, कितना फ्लक्स है जो एरिया के अंदर से पास होगी, एक एरिया के अंदर से जो पास होगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं मालूम, ये बार मैग्नेट को थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले लूंगा तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही मैं ये मैग्नेट को थोड़ा सा इस तरफ है, ठीक है, ये एरिया है, ये मैग्नेट को थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करूंगा तो लगता नहीं कि वो जो दो और पास नहीं हो रही थी वो और दो क्या हो जाएगी, पास होने लगेगी। तो देखो इधर पे कितनी पास होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी पास होगी, पहले फ्लक्स की वैल्यू 6 थी और फिर कितनी हो गई, फ्लक्स की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। अब लगता नहीं कि मैं इसको और पीछे ले लूं, मतलब जितना पहले था उससे भी और पीछे ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो जितनी भी पास हो रही थी उससे और कम होगी, मतलब पहले 6 पास हो रही थी, नजदीक लिया तो 8 पास होने लगी, थोड़ा सा और दूर ले लूंगा तो 6 से और कम हो जाएगी, तो अब वो कितनी होगी, सपोज करो 2 पास हो रही है, ठीक है, तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर आप लोग देखोगे तो पहले 6 थी, 8 था, फिर 2 हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या और ये चेंज हो रही है। तो फैराडे ने यही तो बोला था हम लोग को कि जैसे ही व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस, मतलब जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो गाइस उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर ईएमएफ मतलब करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है खाली फ्लक्स की वैल्यू चेंज करने से। अच्छा देखो उधर पे एक वर्ड है जो आप लोग को गौर करना है, चेंज वर्ड यूज किया है, मतलब सपोज करो मैंने क्या किया मालूम, ये एक एरिया है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, मैंने इसको इतना नजदीक ले लिया, तो पहले कितना था, पहले सपोज करो 6 जा रहा होगा, मैंने नजदीक ले लिया तो कितना जाने लगा, मतलब फ्लक्स के अंदर देखो नजदीक लिया तो 8 जाने लगा, पहले 6 से कितना जाने लगा, 8 जाने लगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कौन बताएगा हम लोगों को कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए लगा है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, तो गैल्वेनोमीटर ऐसा रहता है, ऐसा गैल्वेनोमीटर रहता है, और गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर छोटा सा भी अमाउंट ऑफ करंट रहेगा, कम करंट रहेगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है मालूम, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। समझ में आ गई बात, तो पहले 6 था, अब 6 से कितना हो गया, 8 हो गया, तो इधर पे था 6 था, 6 जा रहा था, मैंने नजदीक ले लिया तो कितनी मैग्नेटिक लाइंस जाने लगी, 8 जाने लगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, और गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दिया, वो करंट को डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैंने रुका दिया उधर पे, तो रुका दिया, अब मैं फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा हूं, देखो अभी मैंने रुका दिया, मतलब 8 जा रही है तो 8 ही जा रही है, अगर मैंने इसको ऐसा रुका दिया तो अभी 8 ही जा रही है, 8 से ज्यादा नहीं जा रही ना, 8 से कम हो रही, तो फ्लक्स चेंज होना तो बंद हो गया, तो फ्लक्स अभी चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे को बताओ अब करंट प्रोड्यूस होएगा क्या, तो नहीं अब करंट नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि हम लोग ने क्या करें मालूम, उसको ऐसा रुका लिए तो अब करंट प्रोड्यूस नहीं होएगा। अच्छा अगर मैं क्या करें मालूम, उसको बाहर निकाला अंदर निकाला अंदर, अगर मैं ऐसे कंटिन्यूअसली इसको चेंज करते रहा कॉइल के साथ, ये मैग्नेट को अंदर बाहर अगर मैं करते रहा, तो अब क्या आएगा मालूम गाइस, अब क्या आएगा मालूम, वो फ्लक्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, और फैराडे भाई साहब ने यही बोला था कि फ्लक्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होएगी, तभी क्या आएगा मालूम, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा, और करंट प्रोड्यूस होते रहेगा, और गैल्वेनोमीटर हम लोग को क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताते जाएगा, लेकिन जैसे अगर मैं एक जगह रुका के छोड़ दूं तो अब क्या आएगा, उसके अंदर से कुछ भी करंट प्रोड्यूस नहीं होएगा, करंट प्रोड्यूस होना रुक जाएगा। तो फैराडे का ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक वीडियो के जरिए समझते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे इसको समझा जा सकता है।
सो गाइस हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में आप लोग को एक गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा होगा और सामने तीन कॉइल नजर आ रहे होंगे। पहले वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दूसरे वाले में उससे ज्यादा है और तीसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप लोग ये सेटअप आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, एक मैग्नेटिक सेल लेंगे। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल एंड ये थर्ड कॉइल। ठीक है, ये तीन कॉइल आप लोग को प्रॉपरली नजर आ रहा होगा, पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कम और ज्यादा, फिर और उससे ज्यादा। ठीक है, एक मैग्नेटिक सेल ले लेंगे, ठीक है, जिसको बार मैग्नेट समझ लो। वहां पे आप लोग को दिख रहा होगा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और वो मैग्नेटिक लाइंस जो एरिया के अंदर से एंटर होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो देखो गाइस, ये नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन कर दिया है बंदे ने। ठीक है, देखो अंदर की तरफ, और ये क्या कर रहा है, उसको मैग्नेट अंदर बाहर कर रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट होने के बाद, इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट होने के बाद, ये क्या हो रहा है कि उसके बाद आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में हल्का सा डिफ्लेक्शन बता रहा है, लेकिन बहुत नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम थे तो इसलिए डिफ्लेक्शन हम लोग को प्रॉपरली नजर नहीं आया। लेकिन अभी देख सकते हैं आप लोग की नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा लेके कनेक्ट कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा लेके कनेक्ट कर दिया गया और सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट जो हो रही है, तो ये मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है मालूम गाइस, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज हो रहा है और उसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, उसका डिफ्लेक्शन बता रहा है। देखो डिफ्लेक्शन बताया, लेकिन एक जगह पर जाकर स्टॉप कर दे तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही वो इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट हो रही है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि प्रॉपरली डिफ्लेक्शन बता रहे हैं। मतलब जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी आठ एंटर हो रही होगी, जब बाहर निकाल दिया जाएगा तो हो सकता है दो एंटर हो रही होगी, जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर में समझाया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहता है तो वैसे ही उसके अंदर फैराडे भाई साहब ने हम लोग को बता दिए थे कि उसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग लास्ट वाला कॉइल कनेक्ट कर देते हैं जो बहुत मोटा है, मतलब जिसके अंदर से क्या है मालूम, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो अब देखो प्रॉपर डिफ्लेक्शन बता रहा है। गैल्वेनोमीटर की तरफ ऑब्जर्व करो गाइस, तो आप लोग देखो जैसे ही इधर पे जो मूवमेंट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर प्रॉपरली डिफ्लेक्शन बता रहा है, प्रॉपरली डिफ्लेक्शन बता रहा है। सो गाइस, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझा दिया। सो गाइस, आप लोग को जैसा कि मैंने एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखाया, आप लोग ने देखे होंगे बहुत अच्छे से, मैंने आप लोग को समझाया कि जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, जो फैराडे भाई साहब ने हम लोग को बोल के गए थे कि उसके अंदर जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे वैसे उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। आप लोग ने देखे होंगे ऐसा कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉइल था, जो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास हो रही थी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ही हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने आप लोग ने गौर करेंगे कि हम लोग जैसे क्या कर रहे थे, वो जो मैग्नेटिक सेल था, मतलब बाहर मैग्नेट था, उसको अंदर बाहर इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट जो हो रहा था, तो आप लोग देखेंगे कि जो इधर पे गैल्वेनोमीटर ऊपर की तरफ रखा था, तो वो गैल्वेनोमीटर की वजह से क्या हो रहा था कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन बता रहा था। सो गाइस, आप लोग ने देखेंगे कि फैराडे भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट था और ये जो कॉन्सेप्ट है ईएमआई का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोग को एकदम डिटेल में समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और ईएमआई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे याद रखें।